नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आज हरियाणा सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला के दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी मंत्री शपथ लेंगे। 13 संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो जो देखिए, आज पंचकुला के दशहरा मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह और शपथ ग्रहण समारोह से पहले नायब सिंह सैनी ने पूजा अर्चना की है। मंदिर में जाकर शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रित किया गया है। साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे, जिसमें नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा की कमान संभालने के लिए तैयार है। हरियाणा राज्य में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने पूर्ण रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाई है, किसी के साथ अलायंस नहीं, और बीजेपी पर पूरा भरोसा जताते हुए हरियाणा राज्य में बीजेपी की वापसी जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये खुशी का मिलन समारोह है। अब माँ मनसा देवी के चरणों में शीश नवाने के लिए मैं आया हूँ और आज हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है उस कार्य के ऊपर अपनी मोहर लगाई है और बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने व्यक्त किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार मजबूती से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सीवी आनंद बोस वहां पर पहुंचे हुए, रामदास अठावले, प्रमोद सावंत, एसपी सिंह बघेल, जयंत चौधरी, ललन सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवती परिदा। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसे लेकर के कई दिनों से ही तैयारियां चल रही थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर नायब सरकार के संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं। अनिल विज, गौरव गौतम, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्ढा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव और राव नरबीर हो सकते हैं संभावित चेहरे। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, कृष्ण मिड्ढा आपको दिख रहे होंगे, महिपाल ढांडा को आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं और साथ ही मूलचंद शर्मा, ये वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लक्ष्मण यादव भी देखिए आप देख सकते हैं, इनमें नाम शामिल है लक्ष्मण यादव का। राव नरबीर भी मंत्रिमंडल में जगह अपनी बना सकते हैं। तो फिलहाल सुनील सांगवान भी देखिए मंत्रिमंडल में जगह बना सकती है। तो देखिए, संभावित चेहरे आपने देखे, लेकिन अब ऐसे में नायब सिंह सैनी का सियासी सफर जानना भी बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंबाला जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं। 1996 में बीजेपी से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने। 2005 में बीजेपी अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। 2012 में अंबाला के जिला अध्यक्ष बने। फिर 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा
लड़ा और चुनाव में जीत हासिल की। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। उसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और इसमें भी उन्होंने जीत हासिल की। 27 अक्टूबर 2023 को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बने। उसके बाद 12 मार्च 2024 को हरियाणा की 11वीं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और अब आज का दिन है यानी कि 17 अक्टूबर 2024 जब वो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये था नायब सिंह सैनी का सियासी सफर। उन्होंने अंबाला से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और आज के समय में वो पूरे हरियाणा की कमान संभाल रहे हैं। हर किसी के दिल में अपनी एक अलग जगह जो है वो नायब सिंह सैनी बना चुके हैं। आज के शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ अगर जिक्र करें तो आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो पूजा अर्चना की दिखा रही है। सैनी ने पहले पूजा की है, आशीर्वाद भगवान का लिया है। उसके बाद 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। तो देखिए 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो नायब सिंह सैनी मंदिर पहुंचे हैं, भगवान का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। चले तो चिराग पासवान भी देखिए चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, हम आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। कांग्रेस की ही सरकार बनने के बावजूद एनडीए भाजपा की जिस तरीके से हरियाणा मुझे लगता है ये एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक चीज है। जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी मेरे नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई है, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते, सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया और ये upheld by the majority of this court. So whatever rights were recognized in 6A based on the Assam Accord, those rights have been upheld by the Supreme Court. Sir, can you tell me in Hindi? देखिए जो भी असम अभिनंदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ और श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही शपथ लेने जा रही सरकार को अग्रिम बधाई देता हूँ। आज जो हमारे नायब श्री नायब सैनी जी है उनका मुख्यमंत्री पद का शपथ हो रहा है, उसमें और भी कई मंत्रियों का शपथ होगा और हरियाणा की जनता ने मतलब बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाया है। मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार या बीजेपी बहुत बारी मजबूत हो रही है और कांग्रेस को झटका देने का काम मतलब इस चुनाव में हुआ है, तो इसलिए आज मतलब उनका जो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है नायब सैनी जी का, उसमें मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं इधर आया हूँ और मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई है प्रधानमंत्री जी के विजन को लेके, प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कामों को लेके और ये जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास और जिस तरह की डेवलपमेंट की